आपने गिना दी, एक जो दाग आप पर गुंडागर्दी को लेकर लगता रहा है, आप कभी ये चिंतन नहीं करते कि इतने बड़े कैरेक्टर होकर ये मलबल में टाट का पेबंद जैसा नजर आता है, एक बार। दूसरा, विपक्षी लोग आप पर एक प्रहार कर रहे हैं लगातार कि सुंदरी के कर्केश्वरी देवी के नाम पर कब्जे जगह जगह कर लिए जाते हैं, इन दो चीजों के बारे में आप कुछ ठीक से बता दें। एक बार कब्जा को बताएं, एक सवाल ही करवा करके पूछे साढ़े तीन बजे दूसरा कार्यक्रम। मेरा जो कहना है, आप कुछ बोले तो उसके तथ्यात्मक प्रमाणिक चीजें बोलते तो ठीक है, मैं भी उसका जवाब। अब जो कब्जे एक आध कब्जा बताए जोशी जी, एक कब्जा बताए देव जी के नाम। आपको लगता नहीं कि जो छोटा थोड़ा बहुत जो सेवेंट आपको लग रहा है गुंडे बदमाशो वाला, तो आपके कैरेक्टर को खराब कर रहा है? आप हमारे विरोधी की भाषा बोलेंगे तो ये बोलेंगे, आप ऐसा लग रहा है कोई अगर यही चीजें होती तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वोटों से मुझे लोग नहीं चुनते, और एक बार नहीं दो बार सबसे ज्यादा वोटों से जीता हूँ, उसके पहले भी सबसे ज्यादा परसेंटेज के हिसाब से नहीं था मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वोटों से जीता, दूसरी बार भी परसेंटेज में भी जाता था ज्यादा था वोटों के हिसाब से ज्यादा, तो दो बार लोगों ने जीताया है, और वैसा नहीं तीन बार पार्षद रहा हूँ, एक बार कांग्रेस की जमाने में जब की पार्षद के टाइम, और वहाँ के महापौर उप महापौर थे उस टाइम गावरे जी जब चुनाव लड़े थे, वो भी उनको भी हराया। ये बड़ी बड़ी लोग ऐसी थोड़ी कोई किसी गुंडे बदमाश को कोई जिताता है, आज तक शहर में आपने सुना कि किसी गुंडे बदमाश ने इस शहर में जिताया हो, कोई ऐसा कुछ उदाहरण हो तो बता। कब्जे वाला आप बता दीजिए, एक आध प्रमाण बता दीजिए कि कोई नहीं। तो ये मैं कह रहा हूँ, आप कांग्रेस के प्रवक्ता बन के बात करूँ मोहन सिंह जी ने कहा है कि जगह जगह मोहन सिंह के प्रश्नों का जवाब यहाँ पे नहीं होगा, प्लीज है ना। विकास से बताया कहा अंधेरा, जहाँ हम तो खुद जब पढ़ते थे तो लालटेन में पढ़ते थे, बत्ती नहीं होती थी रात में, दिन में इतनी गर्मी पड़ती थी कि बाहर घूमते थे दिन भर सड़कों पे, नींद नहीं आती थी इतनी गर्मी, मच्छर काटते थे। क्षेत्र से इतना विकसित क्षेत्र में मध्य प्रदेश सबसे विकसित विधानसभा है, और आप विकास की बात कर रहे हैं, वो विकास उस टाइम में जब नाली करते हैं तो ओपन नालियां हुआ करती थी, रोड तो हुई नहीं, कच्ची नालियां कच्ची सड़कें हुआ करती थी, गंदगी बहती रहती थी, ये सब आलम था। मेरा सवाल को लेकर है, मिल तो बंद हुए आज इतने हो गए हैं, मिल मजदूरों को आज तक उनका पैसा नहीं मिल पाया है, बीजेपी की सरकार राज्य में भी है केंद्र में भी है, जो पैसा दे रखा था वो बार बार कोर्ट जाती थी और उसमें नगर निगम के बारे में गेट डालती राज्य शासन ने नगर निगम को देते आपकी जमीन आप आगे क्या करेंगे आप? हम करेंगे ना, वो जो मजदूर के हित में जो भी होगा हम सब करेंगे। सेंसर दो नंबर सुरक्षित से छोड़ के आकाश जी को तीन नंबर में बलि का बकरा क्यों बुलाया? बलि का बकरा नहीं उधर पर पीछे।